वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्रॉस टॉक। आशा, हम आपसे बहुत इंप्रेस हो रहे हैं भाई। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतनी सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, लेकिन आप हो कि आपकी पर्सनालिटी से मैं ज़ाती तौर पर बहुत इंप्रेस हो रही हूँ। मुझे बताओ, कुकिंग खुद करती हो? बिल्कुल करती हूँ। कैसे करती हो? कभी ऐसा हुआ कि खाने में नमक की जगह हल्दी डाल रही हो, हल्दी की जगह कुछ और डाल रही हो, तो भाई भी इतने शरीफ हो और वो भी चुप करके खा जाए? कभी ऐसा हुआ? नहीं, इतने शरीफ नहीं। सही, वो पूरा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। बड़े बूढ़े कहा करते थे ना कि बंदा ना मट्टी का भी नहीं मान होता, तो वही हिसाब होता है खावंत का। नहीं नहीं, वो वाली चीज नहीं है, लेकिन एनालिसिस पूरा होता है। और दोस्ताना एनालिसिस होता है। कुकिंग ऐसे करती हूँ कि यार मेरी हर चीज सेट है किचन में। मतलब मुझे पता है कि मेरे लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह है कि सॉल्ट के साथ जो है हल्दी है, हल्दी के साथ जो है वो गरम मसाले पिसे हुए पड़े हैं, उसके साथ सूखा धनिया है, नीचे वाले जो शेल्फ है उसके अंदर लाल मिर्च है, दरमियान में पत्ती है और ये किसने काली मिर्च किया हुआ है? आपने खुद ऑर्गेनाइज? ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरी शादी से पहले सेट किया हुआ है, क्योंकि मेरी जो नंद है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनको ये पता है कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीजों का ऑर्गेनाइज होना। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया होता है। ये तो बहुत आसान होता होगा ना कि वो फैमिली पहले ही आपकी डिसेबिलिटी से वाकिफ है और इस चीज को उन्हें समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं लगा। तो सारी चीजें बना लेती हूँ आराम से, कोई काम। क्या क्या सबसे टेस्टी क्या बनाती हो जो भाई को बहुत पसंद हो? यार वो तारीफ ही नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि मर्द को शायद बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्रेसिव होते हैं ना, फिर वो गुस्से में भी बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, और मेरे जैसे सेंसिटिव लोग वो वाली चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए मैं तो सही कह रही हूँ, इसलिए वो ना ही एक्सप्रेस करें तो बेहतर है। ये वैसे बहुत समझदारी की बात की, बात से नजर आया बंदी स्कॉलर है। अच्छा आयशा, हमें बताओ कुकिंग में क्या क्या बना लेती हो? यू नेम इट एंड आई विल मेक इट। मतलब चिकन कढ़ाई हो, बिरयानी हो, हलीम हो, कुछ भी ऐसा हो, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, अच्छा सूजी का हलवा, जो भी आप कहोगे। खीर वगैरह किससे सीखी है? अम्मी ने शुरू में थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाई थी, लेकिन शादी के बाद प्रैक्टिस किया। ये नहीं मैं कहूंगी। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहती हो या सेपरेट? जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हाय, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वड्डी जेठानी ने आके नमक जी जगह थे लाल मिर्च रख दी थी, और लाल दी जगह थे नमक? मेरी वड्डी जेठानी कोई नहीं, मैं आप ही वड्डी जेठानी हूं। बस फिर खुद आके ये करती होगी। नहीं, कोई फैमिली में ऐसा होता हो कि यार ये बड़े मजे के खाने बनाती है, हर मेज पे मेला लूट लेती है, तो जी मैं तो जरा आज जाके इसके साथ करती हूँ ना। क्योंकि डिसेबल लोगों को जहाँ लोग बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं, वहाँ कई लोग फायदा भी उठा जाते हैं कमजोरी। मेरी का। फैमिली में शुक्र है कोई ऐसा नहीं है फसादी। लेकिन हम लोगों का तो काम है ऐसा फसादी जवाब सवाल करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। सोशल मीडिया यूज करते हो? बहुत ज्यादा। कैसे यूज करती हो? मैंने आपको बताया ना, हमारा मोबाइल के अंदर भी स्पीच वाला सॉफ्टवेयर होता है जो एक चीज बोलता है, तो मैं बहुत ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर यूज करती हूँ, यूट्यूब बहुत ज्यादा ब्राउज करती हूँ, और नॉवल सुनती हूँ यूट्यूब पे। बहुत सारे अब तो चैनल्स हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे नॉवल्स। कभी ऐसा हुआ जैसे हस्बैंड वाइफ शादी के बाद लेटे हुए वो अपना सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं? अक्सर ही होती है। तो वो आपका तो क्योंकि सॉफ्टवेयर बोलता है ना, जो पिक्चर एक्सप्लेन करता है, लाइक अ गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द फ्लावर एटसेट्रा एटसेट्रा, वेरी गॉर्जियस गर्ल फलाना फलाना, तो भाई कहते होंगे ओए ए केड़ी कुड़ी दी गल हो रही है, जरा मैनू भी सुनवाई। नहीं तो मैं उनकी पकड़ती हूँ, वो मेरी क्यों पकड़े? लेकिन ये होता है ना, हम हैंड फ्रीज के साथ यूज कर रहे होते हैं सारी चीजें। हाँ, क्योंकि कमरे में बहुत ज्यादा शोर हो जाता हो। सही है, दोनों यूज कर रहे हैं। सीक्रेट रखा जाए? नहीं नहीं, सीक्रेट कुछ नहीं रखा हुआ। मेरा मोबाइल वो खोल के बैठे होते हैं और मैं उनका खोल के बैठी होती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जिसे हम हाइड करें। आपने कहा आप दोनों मियां बीवी फ्रेंड्स हो, तो फ्रेंड्स में तो ये चीज आप हाइड कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और एक एक चीज की रिपोर्ट करते हैं घर आके एक दूसरे को, जब तक पूरे दिन की आप बीती नहीं सुनाते ना, दोनों को चैन नहीं, खाना नहीं हजम होता होगा। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, इतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो जान लेते हैं यार कि शादी कैसे हुई, शादी का वाकया माजरा कैसे पेश आया। बेसिकली हम दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ा हुआ है, फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। अच्छा। और अब एक दूसरे को आप लोग भी जानते थे? हाँ, थोड़ा बहुत जानते थे। अब ये तो नहीं मैं कह सकती मैं बिल्कुल नहीं जानती। हाँ बिल्कुल सही।
तो जब फैमिली ने कहा कि हम उस लड़के को पसंद करते हैं, वहां शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारी, तो लाइक हाँ जी मैं थे आप ऐसे ही जा रही था, लाइक ये रिएक्शन तो नहीं था? नहीं, मैंने अम्मी से ये कहा कि ठीक है जहाँ आप जाएंगी मैं वहाँ करने को तैयार हूँ। अच्छा। बस ये कि मैंने करनी ब्लाइंड से ही है। अच्छा, ये चीज़ एक मैंने जिस डिसेबल इंसान से बात की है ना, वैसे तो हम सब डिसेबल हैं, हम सब में कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं, हम लोगों की जाहिर नहीं होती, आप लोगों की जाहिर हो जाती ऐसे है, ठीक है? तो जब भी मैंने किसी डिसेबल इंसान से ये बात की है ना कि यार शादी के लिए कैसा एक लाइफ पार्टनर माइंड में बना लिया, उसका क्या सोचते हो कैसा होना चाहिए, तो वो कहते हैं यार जो डिसेबिलिटी हमारी जाहिर हो रही है ना, सेम वही डिसेबिलिटी हम उसमें चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही हो। ये चीज़, ये साइकी क्यों होती है? देखे नूर, मेरे वालदैन मेरी किसी से शादी कर देते, हाँ। उसको नज़र आता होता, ठीक है ठीक है, और वो मुझे ज़िंदगी में कदम कदम पे ये बताता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, हाँ। मैंने एहसान किया तुम पे शादी करके, ठीक है, तो मेरी सारी ज़िंदगी की जिसे कहते हैं मेहनत, हाँ, वो ख़त्म हो जाती, मेरी सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाती। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ आपकी सेल्फ इस्टीम है। मुझे किसी इंसान का एहसान नहीं पसंद। सही। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है, मेरे हस्बैंड को बनाया है। हम अपने लिए चीज़ें खुद अफोर्ड कर सकते हैं, हम अपने लिए फैसिलिटीज़ परचेज कर सकते हैं या हायर कर सकते हैं लोगों को, हाँ। तो हम किसी इंसान का एहसान क्यों लें? हाँ सही। किसी इंसान को ये मौका ही क्यों दे कि वो हम पे एहसान करे कि जी मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये मेरा एहसान है। एहसान है, हाँ। ये ऐसा होता है कि ब्लाइंड और साइटेड का भी कपल बनता है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ परफेक्ट तब हो सकता है कि अगर आपकी लव मैरिज हो, अगला आपको जिसे क्या कहते हैं ना, खुद एक्सेप्ट करे आपकी उस डिसेबिलिटी को, ठीक है। जब आपने कहा मुझे एक डिसेबल इंसान से ही शादी करनी है जो मेरी तरह ब्लाइंड हो, तो घर वालों ने क्या कहा कि क्या बात कर रही हो, आगे फर्दर अपनी नस्ल के बारे में सोचो, फिर आगे बच्चे भी ब्लाइंड होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं? वालदैन कभी भी नहीं चाहते, हाँ। वालदैन को होता कि नहीं कोई मिल जाए जो सहारा दे, लेकिन बंदा बंदे को सहारा नहीं देता, वो अल्लाह ही देता है। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है आप बाकी मेरी दोनों बहन भाई के लिए कर लेना, लेकिन हाँ। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं किसी की एक लाइन नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं टूट जाऊंगी, तो मुझे आजमाइश में न डालें। ज्यादा उन्हें कन्विंस करना पड़ा या जल्दी मान गए? उन्हें पता था मैंने करनी नहीं ऐसे। अच्छा, उन्हें पता था ढीट है नहीं मानेगी? हाँ, मैंने कहा था मैं बेशक ना करें शादी, हाँ, लेकिन मैं किसी को अपनी जात तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। बहुत खूब, ये बात आपने बहुत अच्छी की आयशा। हमें मजीद बताओ, ड्रामास मूवीज एंजॉय करती हो, अगर मूवी देख सुनती हो, लाइक फील करते हो आप लोग सुनते हो, तो कौन सा ऐसा परफॉर्मर है पाकिस्तान में जिसकी आप मूवी कहते हो यार ये अपनी आवाज में हर तरह के एक्सप्रेशन वेरिएशन शो कर देता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुनना? पाकिस्तानी एक्टर तो शान की एक्टिंग बड़ी एक्सप्रेसिव होती है, लाइक उसके डायलॉग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसकी फीलिंग्स, क्योंकि आप मोहम्मद राना की एक्सप्रेसिव होती है बहुत, हाँ। रैम्बो की बड़ी एक्सप्रेसिव टोन है, हाँ। तो बड़ा अच्छा डायलॉग डिलीवरी है। इसी तरह मुझे फीमेल में साइमा, हाँ, कॉमेडियंस की अगर बात करें तो कॉमेडियंस, कॉमेडी के प्रोग्राम्स तो आप देखती हो, बिल्कुल, तो कॉमेडियंस पे उमर शरीफ और उमर शरीफ से भी ज्यादा मुईन अख्तर अब तो खैर वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ। जितना मैंने उनको एंजॉय किया, और हाँ। एक लास्ट ईयर आई थिंक डेथ हुई थी उनकी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अमान अल्लाह साहब ओहो, वो तो एक्सट्रीम थी ना, वो तो ही वाज माय फादर, ओह माय गॉड, आई डिडंट न्यू अबाउट दैट। जब आपने कहा उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा शायद यार कर देते हैं, तो he was नहीं, my father. नहीं, वो मैं और मेरे हस्बैंड तो इतना एंजॉय करते हैं उनको, जिसकी कोई हद नहीं। अभी भी हम पुरानी वीडियोस और पुराने स्टेज शोज में उनका जो मुकालमा होता है ना, वो सुनना पसंद करते हैं, बहुत हंसते हैं, मतलब वो एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट थे, नो डाउट। और ये जो एक सडन इंटरेक्शन हुई है ना, ये क्योंकि आप जो बता रही थी उसमें मुझे हुआ था यार लास्ट ईयर तो मेरे फादर की ही डेथ हुई थी। चलो खैर, इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और आगे मूव करते हैं। ड्रामास में कौन से ऐसे एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, जिनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हो आप? हुमायूं सईद, हाँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके अलावा किसी का ड्रामा ही ना देखूं, हाँ। उसने अगर किसी से इजहार मोहब्बत की है ना, तो वो लग रहा होता है इजहार मोहब्बत की है। और रिसेंट उसका इजहार मोहब्बत तो बहुत फेमस मेरे हुआ, पास, मेरे पास तो हो। मुझे बहुत पसंद है, बहुत से लोगों को उसका एंड बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत करो तो फिर ऐसी करो ना, जियो तो साथ जियो, नहीं तो मर जाओ। क्या बात है, बहुत खूब।
रेडियो सुनती हो, किसे सुनना पसंद करती हो और रेडियो के साथ एंजॉय करती हो? रेडियो यार बहुत सुना है बचपन में, सिक्स क्लास से लेकर 2007-8 तक, यानी आप समझो कि 2000 से लेकर, वो टाइम पीरियड जो था ना रेडियो का, क्लासिक लेवल पर था। और मैं गजल टाइम सुनती थी, मुझे बहुत पसंद था, रात 12 से सुबह 4 बजे, और स्कूल भी जाना होता था, 4 से 6 सोती थी, फिर उठ के स्कूल की तैयारी की, स्कूल गए, दोपहर को आके 2 घंटे सोए बस, लेकिन गजल टाइम नहीं छोड़ना। और उसमें सईद वासिक, खलीलुल्लाह फारूकी, बड़े कमार अपने दौर के आरजेस थे, कवाली म्यूजिक। अब म्यूजिक पर आते हैं, पहले कवाली पर चलते हैं, फिर दूसरे सॉन्ग्स पर चलेंगे, दूसरे टाइप ऑफ कवाली में तो नुसरत फतेह अली खान, दी उनका तो कोई सानी ही नहीं हुआ ना। हाँ। और मुझे उनकी कवाली इतनी पसंद है, जबकि मैं डिसअपॉइंटेड होती हूँ ना, तो मैं फिर वो सुनती हूँ, उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी, क्या बात है। मतलब वो आपको ये बता देता है कि दुनिया से कुछ नहीं रखा, दुनिया पे डिपेंड ना करो मत। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और दुनिया एक फानी चीज है, खत्म हो जाएगी। म्यूजिक किसके ज्यादा सॉन्ग्स पसंद करते हो, पाकिस्तानी सिंगर या? आतिफ असलम बहुत पसंद है, इब्रारुल हक। अच्छा, उसके गानों में कुछ ना कुछ सीखने को होता है, उसके गानों में ना, वैसे इब्रारुल हक साहब के गानों में ना हमारे सोसाइटी की अकासी होती है, बिल्कुल है। कहते हैं ना, शरीकन हूँ आग लग दी, तो वो हमारे रियल लाइफ को आग लग रही हो आप, बड़ी लगती है। वो शरीक ही क्या हो जिनको आग ना लगे। वो ऐसे शरीक आपको हर जगह मिलते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसे वो जो उनके गाने हैं, रना आलिया दे पकड़ परौंठे ते छड़े आदि अगला बने, लाइक यार वाकई उनकी शायरी बड़े मजे की होती है। देखो ना, जिसकी माँ नहीं है तो उस बेचारे को फिर खाने को कहीं से नहीं मिलता, या तो माँ हो या फिर बीवी हो, बीवी हो, बस ऐसा ही है। सो हमें बताओ, एनजीओ अगर कभी बनाने का मौका मिला तो उसका क्या नाम रखोगी? साइट बियॉन्ड द विजन। हाँ हाँ, माय गॉड, बहुत खूब। अपने उस टाइटल में ही आपने अपनी पूरी स्टोरी, अपनी एक पूरी लाइफ को आपने ना समराइज कर दी है। अच्छा, मेकअप कैसे करती हो, क्या खुद करती हो मेकअप? खुद करती हूँ, डेली बेसिस पर तो बंदा नहीं जा सकता ना मेकअप आर्टिस्ट के पास। नहीं तो आपको जाने की जरूरत ही क्या है, आपको जब इनिशियल चीजें करनी आती है नहीं देख सकती हो। लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर कि यार एक लड़की नहीं देख सकती, हम तो देख रहे होते हैं, फिर हमारी एक आंख का लाइनर मोटा हो जाता है, एक पतला हो जाता है। अच्छा, मैं वो चीजें करती ही नहीं हूँ ना जिसका मुझे पता कि कोई प्रॉब्लम होगा। मैंने डेली बेसिस पे क्या करना है, बीबी क्रीम यूज की, हल्का सा फेस पाउडर अगर लगाना हुआ, वो भी मैं डेली नहीं लगाती क्योंकि सारे से पता स्किन आपकी वो रफ कर देता है। और ब्लशन अप्लाई किया अपनी। आप ब्लशन कैसे अप्लाई करती हो आप? यार आपको पता कि आपकी ये जो बोन है, इसके ऊपर से आपने यूं करके लेकर जाना है, ठीक है? तो वो ब्रश से मुझे मेरी नंद ने प्रैक्टिस कराई। शादी से पहले मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती थी। अच्छी नंद है। मेरी प्यार सलूक है यार, मेरे ससुराल वाले है ही नहीं। ओए होए की गल है, मोजे वाली गल करती। वैसे बहुत अच्छी बात है, हमारा काम ऐसे मसाले वाले क्वेश्चन पूछना। बिल्कुल बिल्कुल पूछे। तो बड़ी अच्छी नंद है। अच्छा, उसने आपको गाइड किया कि उसने गाइड किया, और फिर अगर लिपस्टिक लगानी है तो आम हालात में मैं लिपस्टिक लगाऊं तो लिपस्टिक आपकी थोड़ी सी फैल सकती है, होंठ से इधर उधर हो सकती है। मेरी तो हमेशा फैलती है, मेरी खाते पीते वक्त फैलती है, तो अच्छा उसके लिए मैं हमेशा आउटलाइनिंग करती हूँ, मैचिंग आउटलाइन। तो यार एक और मुश्किल चीज है, नहीं ना, फील करके अगर आपको अपने होंठ का एजी ना पता चले तो किसी और का मतलब आप सही कहा है, लाइक फील करके आप अपना आप तो सबसे अच्छा जज कर सकते हो ना। सही, तो ऐसे मेकअप किया जाता है ऐसे ही। और हेयर स्टाइल के बारे में क्या करती हो? यूजुअली क्योंकि दुपट्टा लेना होता है तो उसमें इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, कभी कभी वो थोड़ा सा पफ बना लेती हूँ जब कोई फॉर्मल गैदरिंग हो, बस इतना ही। हम औरतें तो जब ड्रेसेस की सिलेक्शन के लिए निकलती हैं तो बस फिर हमारा आधा बल्कि पूरा दिन वहीं सर्फ हो जाता है, और हमारे से अगर हस्बैंड पूछे कि सारा दिन कहाँ गई हो तो हम कहते हैं पता नहीं था, शॉपिंग के लिए गई थी, शॉपिंग करना इजी काम है, और मेरे तो हस्बैंड औरतों से ज़्यादा टाइम लगाते हैं शॉपिंग में। आप शॉपिंग कैसे करती हो, कलर्स कैसे सेलेक्ट करती हो, फैब्रिक कैसे देखती हो, अपने कपड़ों की कलेक्शन खुद ही करती हो? सारी खुद करती हूँ सारी की सारी, और मुझे पता है कि मुझ पर कौन से कलर सूट करते हैं। मुझे पता है मुझ पर डार्क कलर्स बहुत सूट करते हैं, ब्लैक, शॉकिंग पिंक, मैं इस तरह के कलर्स बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, और होता ये कि मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो सारे से पता कोई ना कोई मेरे साथ होता है गाइड। हाँ। तो मैं उससे पूछती हूँ कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है। हाँ। अच्छा, फैब्रिक का मुझे वैसे ही अंदाजा है, मुझे पता कि कौन सा लॉन का जो टेक्सचर है वो अच्छा है, वो लॉन्ग टाइम चलेगा, या किस ब्रांड का जो कपड़ा है उसका रंग जल्दी नहीं उड़ता, तो
मैं खुद ही खरीदती हूँ और मेरी अक्सर मतलब मुझे लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि इस शॉप पे सबसे अच्छा सूट कौन सा है. हाँ. पता नहीं मेरा हाथ क्यों जाके अल्लाह ताला वहाँ पे रखवा देते हैं. अच्छा जो सबसे अच्छी चीज होती है. ऐसा हुआ कि स्टिचिंग के मामले में आप कह रही हो दर्जी को कि भाई ये तुमने ठीक नहीं किया और वो कह रहा हो बीबी जी आपको क्या पता सब ठीक है A1 है. स्टिचिंग के मामले में दर्जी तो अच्छे अच्छों को बुद्धू बना जाते हैं. नहीं नहीं आप मैं तो एक एक चीज को उसको मैयर करके बताती हूँ देखो यहाँ से ठीक. अच्छा थोड़ा सा ना परफेक्शनिस्ट नेचर है तो फिर काफी हाँ, अगले का सर खाया जाता है. बहुत अच्छी बात है. मेकअप करने की जिम्मेदारी बचपन में खुद पर ले ली थी या एक एज तक क्योंकि लड़कियां तो छोटे होते ही अम्मी की लिपस्टिक नहीं बख्शती ना दुपट्टे की साड़ियां बनाकर फिर रही होती हैं. तो ये टाइम आप पर भी आया था कि अम्मी की लिपस्टिक और दुपट्टे की साड़ियां बनाकर फिर रही हो. इंटरमीडिएट तक मेकअप कभी नहीं किया. अच्छा. उसके बाद लिपस्टिक लगाती थी जिस दिन प्रेजेंटेशन होती थी. अच्छा. और मेकअप फॉर्मली जो शुरू किया जब जॉब लगी तब डेली लिपस्टिक लगाना हाँ. शुरू की. कभी अम्मी ने कहा हो कि बच्चे मेकअप नहीं करते बस तुम मेकअप मत किया करो. या नहीं मैंने किया ही नहीं उस एज में. नहीं मैंने उस एज में किया ही नहीं. अच्छा. और मुझे ऐसा लगता था जैसे आपकी मासूमियत जो है ना वो खत्म हो जाती है जब आप बड़ी छोटी एज में मेकअप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. द मोर यू आर लेट आप तो ये चीज नहीं देख सकते हो ना कि मासूमियत किसी ने अगर मेकअप किया तो यार शी लुक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच्योर. और अगर किसी ने मेकअप नहीं किया तो वो यार सुन तो सकते हैं ना. लोग कमेंट करते हैं हम सुनते हैं. हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है. मेरे अक्सर फ्रेंड्स कहते होते थे अगर मैं उनके ग्रुप में बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे हैं तो इधर उधर जो ग्रुप्स बैठे होते थे उनकी बातें मैं सुन रही होती थी. मैं बाद में बताती तुम्हें पता फलाने ग्रुप में क्या लड़ाई हो रही थी. फलाने ग्रुप में किसी की एंगेजमेंट हो गई फलाने में ये हुआ है. हमारे जो कान होते हैं ऐसे लोग हर तरफ नजर रखते हैं. हम हर जगह तरफ कान रखते हैं. सही बात है यार रखने भी चाहिए. नजर भी रखनी चाहिए. जिनके पास नजर है वो नजर रखे जिनके कान है कान रखे. आगे मूव करते हैं. कभी फैमिली में कौन सा ऐसा फैमिली मेंबर है जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो. शादी से पहले अम्मी अबू दोनों ने किया लेकिन अबू ने बहुत किया. अबू तो वो बहुत बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर थे हमारी लाइफ में क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मर्द साथ ना देना तो कोई बच्ची कोई औरत प्रोग्रेस नहीं कर सकती. हमारे फादर बहुत प्रोग्रेसिव थे. उन्होंने हमें पढ़ाया हम दोनों बहनों को भी कभी नहीं रोका. सही. और फिर आगे शादी के बाद तो हस्बैंड. सही. अगर सोचती हो लाइफ में कि यार मेरे अंदर ये चीज ना होती मैं देख सकती तो मैं लेक्चरार ना बनती मैं ये बनती तो क्या बनती. मैं शायद सिविल इंजीनियर बनती नहीं आर्किटेक्ट बनती. अच्छा, या पेंटर बनती. हाँ, सही. मुझे मेजरमेंट्स का बहुत शौक है. अच्छा. मेरे हस्बैंड और मेरी गेम यही होती है अगर इतने बाय इतने का प्लॉट होगा तो आप मुझे बताएं उसमें दो कमरे और फलानी फलानी चीज कैसे बनाएंगी. अच्छा उस रूम में जो कबर्ड होगी वो कितनी होगी और किस साइड पे होगी. मैं बड़ा कुछ इमेजिन करती हूँ. मैं इवन यूट्यूब पे ऐसी वीडियो सुनती हूँ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है क्योंकि इंटरेस्ट है. अपने मूड स्विंग्स को कैसे मैनेज करती हो. एक नॉर्मल इंसान होता है हम लोग सोसाइटी से आजाज आ जाते हैं बेजार हो जाते हैं बातों से लोगों की. तो आप लोगों को तो दो गुना ज्यादा सोसाइटी को एक तो आप लोग इसलिए ज्यादा ऑब्जर्व करते हो क्योंकि आप लोग कीन ऑब्जर्वर होते हो. ऐसे ही, ऐसे ही. कीनली हर चीज को ऑब्जर्व करते हो. ऐसे ही. फिर दूसरा आप लोगों को लोग ज्यादा पिन पॉइंट करते हैं बहस लेकर आते हैं. हाँ जी. तो कैसे मैनेज करती हूँ इन चीजों को. अपसेट हूँ तो हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ. उनके सामने थोड़ा बहुत रो लेती हूँ या ज्यादा सजदे में. हाँ. अल्लाह से शेयर करती हूँ. कभी किसी कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत गुस्सा आता है जिस पर बस हो जाती है. आयशा को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है. यार मुझे गुस्से में भी रोना आता है. मैं बोलने से पहले रोना शुरू कर देती हूँ. मैं बोलती नहीं हूँ मेरा गुस्सा भी रोना है. मेरी हर चीज का अल्टीमेट एक्सप्रेशन रोना. अच्छा. हस्बैंड तो बस फिर चुप ही करवाते होंगे. गुस्से में भी रोना है और रोना आ रहा है इमोशंस हर्ट हुए हैं तब भी रोना है. वो यही कहते हैं हर वक्त पास टिश्यू या टॉवल पकड़ कर ही बैठे रहते होंगे. वो ये कहते हैं आप में एक ही है आप रोती बहुत. क्या कहा करें शुक्र करो रुवांदी नहीं है. नहीं तो दूसरे आंधियां बुढ़ियां तो रुवांदियां ने. मैं तो खुद रोती हूँ बस ऐसे ही. लेकिन हर वक्त चुप कराना भी एक इशू होता है ना. और कभी कभी मैं बगैर बताए रोना शुरू कर देती तो उन्हें तो यार पहले बता दो फिर रो लेना.
नहीं थोड़ी बाउंड्री बना कर रोया करो कि अच्छा मैं थोड़ा रोने लगी हूँ, टिश्यू विशू पास रख के एकदम वैन वाला सीन होता है। नहीं उनको पता है कि कब मैं रोने लगी हूँ। मेरी वॉइस टोन से उन्हें वो जज कर लेते हैं कि मैं अपसेट हूँ या मैं डाउन हूँ या मेरा दिमाग स्टक है। ये कौन सा आंसू देख सकते हैं रोते हुए भी बंदा। यार हम एक दूसरे की वॉइस टोन को बहुत अच्छा जानते हैं। हमें ये पता है कि कब जो अगला बंदा है वो थका हुआ है, कब वो इरिटेटेड है। एक दूसरे हम मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को ना पता चला हो। और अल्लाह का शुक्र ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि अक्सर एक ही बात हम दोनों सोच रहे होते हैं और इकट्ठे बोल पड़ते हैं। अच्छा ऐसे ना कर ले वो, फिर हम हंसते भी और कभी कभी फिर उसमें मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि अल्लाह ताला का कितना करम है। शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल। हम तो चाह रहे थे आयशा को उनके हस्बैंड के साथ बुलाना ताकि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी आप सबके सामने दिखाएं, आप सबको दिखाएं कि यार तुसी सारे सिद्धे इस तरह हो के ताड़ी कंपैटिबिलिटी नहीं बन जी लड़के जिंदगी गुजारते इनसे कुछ सीखे। लेकिन वो मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके और आयशा हमारे पास आ गई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आयशा आपके। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए है।